हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर आज मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊँगा, क्वेश्चंस की जो बेसिक होती है वो, उसका क्या बेसिक अप्रोच होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन है अ स्टार्टअप बिजनेस, जो ए है, ठीक है। ए एक पर्सन है, स्टार्टअप बिजनेस विद ₹25,000 आफ्टर 4 मंथ। बी ज्वाइन बी एक सेकेंड कोई पर्सन है, वो ज्वाइन हिम विद ₹20,000। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो इस टाइप के जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे करते हैं। इससे पहले मैं एक आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत बेसिक सी है। अगर दो पर्सन है, सपोज एक ए है एक बी है, ठीक है। ए ने ₹2,000 लगाए पार्टनरशिप में, इसने भी ₹2,000 लगाए, ठीक है। ये तो हो गए रुपीज़, रुपीज़ लगाए दोनों ने। अब ये कितने मंथ तक लगाए, मंथ, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कितने मंथ तक लगाए। ईयर में नहीं सॉल्व करेंगे हम, जब भी क्वेश्चन करेंगे मंथ में सॉल्व करेंगे, कितने मंथ तक लगाए। अगर 1 ईयर के, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का देख रहे हैं, तो 1 ईयर में आपको पता है 12 मंथ होते हैं। अब इसने सपोज़ अगर मान लीजिए 12 मंथ तक रुपये लगाए, और इसने सिर्फ रुपये लगाए 6 मंथ तक। ये रुपीज़ है, रुपीज़ मल्टीप्लाई मंथ, कितने मंथ तक उसने रुपीज़ जो हैं वो लगाए उस पार्टनरशिप में। इनका जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। मतलब आपने अगर ₹2,000 इन्वेस्ट करे हैं, और इन्वेस्ट आपने कितने मंथ तक करे हैं, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो रुपये इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने मंथ तक कर रहा है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है रुपीज़ का और नंबर ऑफ मंथ, जो मल्टीप्लिकेशन करके जो भी सॉल्यूशन करके आएगा, अब ये रेशियो जो निकलेगा, अब ये रेशियो है 2000 के 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल करे, ठीक है, कितना बचा, 2 × 12, 2 × 6, 6 1 6 2 12, ये वाले 2 से चले, ये पूरा पूरा 2 कैंसिल, 2000 2000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या रेशियो आया, 2:1। ये आपका था प्रॉफिट का रेशियो, ये निकल कर क्या आएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। मतलब अगर देखा जाए किस रेशियो में प्रॉफिट होगा, ए और बी को क्या प्रॉफिट, किस रेशियो में प्रॉफिट होगा, ए और बी को प्रॉफिट होगा 2:1 में प्रॉफिट होगा। अब वो कह देता है अगर टोटल प्रॉफिट 6,000 हो रहा है, टोटल प्रॉफिट अगर 6,000 हो रहा है, तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ होगा अगर ये पूछ ले। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितने रुपीज़ लगाए होंगे, जितने मंथ तक लगाए होंगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन ही प्रॉफिट का रेशियो बताएगी दोनों का। प्रॉफिट का रेशियो आने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना लग रहा है, टोटल प्रॉफिट दोनों को मिलकर कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। अब उसने पूछा ए को कितना प्रॉफिट हुआ, तो ए का रेशियो कितना है, 2:2, टोटल रेशियो कितना है, 2:1, 3, मल्टीप्लाई जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ए का निकालना है तो एज रेशियो पार्ट, ए का रेशियो का पार्ट जो आएगा, डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, यही होगा आपका ए का रेशियो। कितना है, 3 से कैंसिल कर दोगे, 2 = 4,000, ₹4,000 का प्रॉफिट आएगा। अगर वो पूछ ले बी का कितना हुआ, बी का कितना है, 1, तो ऐसे यहाँ बीज रेशियो पार्ट आ जाएगा, बी का कितना रेशियो पार्ट है, 1, और टोटल रेशियो तो आपको पता ही है 3 है, और 6,000 टोटल प्रॉफिट है, 3 × 2 = दैट मीन्स ₹2,000 जो है वो प्रॉफिट होगा बी का, ये बी का प्रॉफिट होगा और ये ए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये निकल गया प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट गिवेन है। ये प्रॉफिट रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे निकलता है, ये मैंने बता दिया, कितना रुपीज़ लग रहा है, कितने मंथ तक लगा रहे हैं ए और बी बोथ, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो ये सिंपल है, एज रेशियो पार्ट अगर ए का पूछ रहे हैं तो ए का रेशियो पार्ट, बी का पूछ रहे हैं बी का, अगर सी होगा तो उसमें सी, सीज रेशियो पार्ट, नीचे टोटल रेशियो ही आएगा, मल्टीप्लाई में जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकलेगा, ये निकलता है एज प्रॉफिट, यहाँ पर निकलेगा। अगर बीज होता तो बीज प्रॉफिट निकलता, सी होता तो सीज प्रॉफिट निकलता, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ये लगता है आपको। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। वो कह रहा है ए स्टार्टअप बिजनेस विद ₹25,000 लगा रहा है ए, और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद बी ज्वाइन सिम विद ₹20,000। बी ज्वाइन कर रहा है ₹20,000 के साथ 4 महीने के बाद, ए जब लगा रहा है उसके 4 महीने के बाद। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर दैट मीन्स एक साल की बात कर रहा है। अगर यहाँ आ जाता एंड ऑफ द 2 ईयर, तो 2 साल के अकॉर्डिंग चलते,
एक साल की बात कर रहा है, एक साल में कितने मंथ हैं आपको पता है? 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर यहीं पर वो 2 साल की बात करता तो 24 मंथ्स के साथ लेट करके चलते हैं। अब ए का कितना है? ए, मैं पहले क्वेश्चन बस ए और बी लिख रहा हूँ, बाकी मैं नॉर्मल आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कुछ जल्दी से कर लोगे। 25,000, तो ए कितना लगा रहा है? 25,000 लगा रहा है। बी कितना लगा रहा है? 20,000 लगा रहा है। ए के बारे में ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि ए कितने महीने के लिए लगा रहा है या कितने महीने के बाद लगा रहा है, इसका मतलब ए जो है वो पूरे ईयर के लिए लगा रहा है। जब ऐसा कुछ स्पेसिफिक गिवन नहीं होता है, जैसा कि इसमें गिवन है बी के लिए आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन, तो बी के लिए गिवन है, लेकिन ए के लिए ऐसा कुछ नहीं गिवन है। इसका मतलब ए जो है पूरे साल के लिए रुपए लगा रहा है, दैट मीन्स 12 मंथ के लिए लगा रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 12 से होगी, ठीक है। अब बी जो है वो कितने महीने के बाद ऐड होता है ए के? 4 मंथ के बाद, 4 महीने के बाद, मतलब 8 महीने तक इस ये रुपए लगाता है ना। 12 महीने हैं, जब साल स्टार्ट होता है उसके 4 महीने छोड़ दिए, 4 महीने के बाद उसने स्टार्ट करा, तो कितने? 8 महीने तो बचे, तो 12 में से 4 के 8 महीने, तो 8 महीने तक बी 20,000 रुपये लगाता है। तो ये कितने महीने तक लगाता है? 8 महीने तक लगाता है। सिंपल, क्लियर है? तो ये वहाँ पर इतना आएगा, कितने महीने तक लगाता है, कितने महीने के बाद जुड़ा है ये, फोर से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर देनी है, 4 मंथ के बाद वो ऐड हुआ है, दैट मीन्स 8 मंथ तक उसने रुपए लगाए होंगे, ठीक है। तो 8 महीने लिख लिया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 5 जा 5 4 जा, ये सब माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 सॉरी 4 3 जा, तो 5 3 जा 15, रेशियो 8, अब कैंसिल नहीं हो सकता, 15 रेशियो 8, ये आ गया आपका, मैंने क्या बताया था, ये निकल के क्या आता है आपका? प्रॉफिट रेशियो। अगर प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, वही रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो ही पूछ रहा है। क्या आया? 15 रेशियो 8, दैट मीन्स सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रॉफिट पूछता तो टोटल प्रॉफिट भी गिवन होता, ठीक है। बाकी और भी इसके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगा, जो और अपर लेवल होगा, लेकिन पहले मैं भी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज़ 21,000, 21,000 के साथ स्टार्ट करता है, एंड लेटर बी ज्वाइन हिम, और उसके बाद बी ज्वाइन करता है। अब कितने बाद में ज्वाइन करता है ये नहीं गिवन है, कि 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, जैसा कि इसमें गिवन था कि 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो आपको पता चल गया एट द एंड ऑफ ईयर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 8 महीने तक लगा होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि कितने महीने के बाद ज्वाइन करता है, लेटर का मतलब बाद में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कितने महीने बाद ज्वाइन कर रहा है ये नहीं गिवन है। तो ए और बी की ही बात हो रही है यहाँ पर, ए लगा रहा है 21,000, ठीक है, और बी हमारा लगा रहा है 36,000, 36,000, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, कितने मंथ के बाद डिड बी ज्वाइन, इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल रेशियो, मतलब जो भी रेशियो निकल कर आए वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ का, रेशियो हमारा इक्वल होगा। बी ऐसा ऐसे मंथ, इतने मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है कि रेशियो जो एंड में आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। एंड ऑफ द ईयर, ईयर मतलब 1 ईयर की बात कर रहा है, तो ये तो 12 महीने के लिए लगा, क्योंकि इसका कुछ ऐसा गिवन नहीं है। अब बी से यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मल्टीप्लाई जो होता है वो मंथ मल्टीप्लाई होता है, उतने मंथ मल्टीप्लाई होते हैं जितने मंथ के लिए बी ने रुपए लगाए होते हैं। अगर मैं एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसका मतलब होगा एक्स ने एक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका मतलब ये होगा कि एक्स मंथ तक, अगर एक्स की वैल्यू 6 आ रही है तो 6 मंथ तक इसने रुपए लगाए हैं, 8 आ रही है तो 8 मंथ तक इसने रुपए लगाए हैं। अब 8 महीने तक रुपए लगाए हैं तो कितने महीने के बाद लगाए होंगे? 4 महीने के बाद, तो ये तो 8 महीने बचे लास्ट तक, ठीक है। लेटर आई एम बिन, क्योंकि वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मंथ, कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया होगा, कितने महीने के लिए बी ने लगाए होंगे रुपए, ये नहीं कितने महीने बाद। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स होता है ये बताता है कितने महीने तक रुपए लगाए हैं, बाकी 12 से सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर 2 ईयर की बात हो तो 24 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं मंथ में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 12 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 7 जा, दैट मीन्स 7 रेशियो x आया, ये आया। अब वो क्या कह रहे हैं कि रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो है दोनों तरफ, दोनों तरफ रेशियो कैसा है? इक्वल है। इक्वल का मतलब है जो यहाँ वैल्यू है वो यहीं पर है। अब यहाँ x है, दैट मीन्स वो सॉरी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे भी 7 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, 7 रेशियो x आ रहा है तो 7/x लिख सकते हैं इसको। रेशियो दोनों को कितना है? सेम है, सेम का मतलब 1/1। इसकी जब इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। इन शॉर्ट यहीं से आप फाइंड कर सकते हो कि रेशियो उसने बोल दिया है कि इक्वल रेशियो है। इक्वल रेशियो का मतलब जो इधर रेशियो होगा वो इधर होगा, इधर 7 है तो इधर भी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अब एक्स की वैल्यू 7 का मतलब क्या हो गया? 7 महीने तक, 7 मंथ तक बी ने रुपए लगाए होंगे,
तो कितने महीने बाद लगाए होंगे, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 5 ओनली। तो 5 मंथ के बाद रुपए लगाए होंगे, तब जाके 7 मंथ तक उसने 36,000 रुपए लगाए होंगे। तो 5 मंथ इज योर आंसर आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, ए इज योर ऑप्शन, ए इज योर ऑप्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होते हैं मंथ, वो मल्टीप्लाई होते हैं कि कितने मंथ तक रुपए लगाए होते हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बिगन अ बिजनेस विद रुपीज 450, 450 वॉज एंड वॉज ज्वाइंट आफ्टर वर्ड, उसके बाद बाय बी विद इतना, कितने बाद नहीं पता, सेम क्वेश्चन जैसे उसमें आया था, बस क्या चेंजेस है, ए रेशियो बी मैंने लिखा, इसने 450 लगाए हैं, इसने 300 रुपये लगाए हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन, कितने महीने के बाद, फिर से इसमें है, कितने महीने के बाद बी ज्वाइन, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है तो उसका मतलब ए के लिए कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं है, तो ए ने तो 12 महीने तक लगाए होंगे, अब बी ने कब तक लगाए हमें नहीं पता, ठीक है। और आखिर में क्या गिवन है, एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, 2:1, उसमें क्या था पीछे क्वेश्चन में कि इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, 1:1 में, ठीक है, या फिर जो इधर है वैल्यू वो इधर है, तभी तो कैंसिल करोगे 1:1 आएगा, ठीक है, तो इक्वल रेशियो इसमें 2:1 में आनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 15 से कैंसिल करते हैं, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18:x, ये है 18:x आया, लेकिन यहाँ पे रेशियो कितना, 2:1 है, तो सिंपल 18:1 का इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट का ही तो रेशियो आया, और प्रॉफिट का ही रेशियो उन्होंने गिवन है 2:1, तो 2:1 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जब 2 से अगर इसको कैंसिल करो तो 9, 9, दैट मीन्स 9 मंथ तक बी ने रुपए लगाए होंगे, तो कितने महीने बाद लगाए होंगे, 12 - 9 दैट मीन्स 3, तो 3 मंथ के बाद रुपीज़ बी ने लगाए होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कितने मंथ के लिए लगाए होंगे तब 9 आंसर होगा, अगर कितने मंथ बाद लगाए होंगे तो 3 मंथ आंसर होगा, 3 मंथ कौन सा है, बी, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, ए बी एंड सी तीन पर्सन आ गए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, इन्वेस्ट का मतलब है वही रुपए लगा रहे हैं, इस रेशियो में रुपए लगा रहे हैं, पर्टिकुलर रुपए नहीं गिवन, अभी तक रुपए गिवन थे, अब इस रेशियो में रुपए लगा रहे हैं, द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, टाइमिंग मतलब कितने मंथ के लिए लगा रहे हैं, या ये जो भी गिवन होता है कितने मंथ के लिए लगा रहे हैं, टाइमिंग इन्वेस्टमेंट बींग इन द रेशियो 4:6, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ये जो है ये लगा रहे हैं 2:3:C, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। अब टाइमिंग क्या है इनका कि कितने मंथ के लिए लगा रहे हैं, जो गिवन होता है उसका भी रेशियो ही गिवन है, 4:5:6, ये कितना था, 5 है, सॉरी, ठीक है, 6, ये गिवन है, ठीक है। अब वो बोला इन व्हाट रेशियो वुड देयर प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितने रेशियो में प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो हम निकालते हैं। आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो कैसे आता है, जो भी हमारी कैपिटल जितने रुपए हमने लगाए होते हैं, 100 रुपए लगाए हैं, वो अगर 12 महीने के लिए लगाए हैं, नेक्स्ट मंथ लगाए, वही हमारा रेशियो निकल कर आता है। तो सेम है ये, 2 सपोज 2 रुपए लगाए हैं और उन्होंने 4 महीने तक लगाए हैं, 4 दूनी इनका ही तो रहेगा 8, 3 रुपए लगाए हैं 5 महीने तक के लिए, मैंने इसलिए लिया एक, इसको कुछ और मनी होगा लेकिन रेशियो का है तो रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई मेथड नहीं देखता है, वहाँ पे आपका बस टिक करना होता है टॉप, तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ सिंपल, जो भी कैपिटल गिवन होगी उसकी उसके टाइमिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही मैंने ऊपर भी आपको बताया, जो कैपिटल गिवन होती है उसके टाइमिंग कितने मंथ के लिए लगाए होते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उन्हीं का जो रेशियो निकल कर आता है वही आपका प्रॉफिट रेशियो होता है, तो चाहे वो रेशियो में गिवन है चाहे कैसे भी गिवन है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रॉफिट रेशियो निकल कर आएगा, 5:3 = 15, 6:5 = 30, या है कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, तीनों में कैंसिल होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो 8:15:30 यही आंसर होगा आपका, 8:15:30 दिस इज़ योर आंसर। तो जब भी रेशियो आपका गिवन होगा, कैपिटल का रेशियो गिवन है और टाइमिंग का रेशियो गिवन है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो वो हमारा निकल आएगा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। और भी कुछ कई टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ए बी एंड सी इंटर इंटू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक करते हैं, क्या पार्टनरशिप है, ए एडवांसेस ₹1200 फॉर 4 मंथ, ए जो है वो 1200 रुपये 4 महीने तक लगाता है, तो
ए रेशियो बी रेशियो सी। ए जो है वो 1200 रुपये लगाता है 4 महीने तक, ठीक है। बी जो है वो 1400 रुपये लगाता है 8 महीने तक, 1400 रुपये लगाता है 8 महीने तक। सी जो है 1000 रुपये लगाता है 10 महीने तक, 1000 रुपये लगाता है 10 महीने तक, ठीक है। दे गेन 585 ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब टोटल प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट होता है। दे गेन ₹585 ऑल टुगेदर, पूरा टोटल जो प्रॉफिट है एक साथ वो लोग इतने रुपए गेन करते हैं, गेन मतलब प्रॉफिट इतना होता है टोटल। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, ईच का मतलब सबका, ए का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, बी का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, सी का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ये बताना है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ए का प्रॉफिट निकालना है तो ए का रेशियो पार्ट ऊपर, टोटल रेशियो नीचे, और जितना भी टोटल प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई आ जाता है। ऐसे बी का ऊपर रेशियो पार्ट, टोटल रेशियो और टोटल प्रॉफिट जो भी होगा वो, तो बी का पता चल जाएगा। तो पहले हमें प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2020 2020 कैंसिल, 4 से कैंसिल करूँगा, बहुत ध्यान से देखना, 4 से कर रहा हूँ, 4 1 4 2, यहाँ 4 से नहीं हो रहा है लेकिन, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, हो जाएगा वही 4। तो रेशियो कितना है, 12:28:25, ये ए रेशियो, इसका प्रॉफिट रेशियो आ गया, प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब ए ए का पार्ट, ए ए का प्रॉफिट निकालते हैं, ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का रेशियो कितना है 12 / 12 है रेशियो पार्ट, टोटल कितना है, ये टोटल है 25 25 53 हो गया, 53 ये हो गया 65, मल्टीप्लाई किससे, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 585, 585, 65 9 होता है, 65 9 585, 9 2 108 प्रॉफिट आएगा, ए का प्रॉफिट कितना आएगा 108। ऑप्शन में देखा 108 सिर्फ इसमें आ रहा है, दैट मीन्स बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है, यही चार ऑप्शन है तो सीधे लगा दो, बाकी आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइमिंग बचेगा। लेकिन अगर ई में नन ऑफ दीज भी आ जा रहा है तो आपको आगे देखना पड़ेगा, हो सकता है नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। तो ए का आया, अगर ऐसे ही मैं बी का निकालूँ, बी का निकालूँ, बी का रेशियो कितना है 28 28, वही 65 × 585, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर एक बार में देख लिया, ये 9 जा रहा है क्योंकि ये मोस्टली पूरा पूरा कट जाता है ऊपर से, 9 जा रहा है सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72 2 7 25 252, तो 252 आ रहा है इसमें भी, 225 आना चाहिए सी का, तो वही सी का कितना है 25 है, बाकी वो कैंसिल होके वही 9 ही आएगा, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 रुपीज़, ये भी रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ में, ठीक। इतना प्रॉफिट ए को होगा, इतना बी को होगा, इतना सी को होगा, दैट इज़ योर आंसर, ये आंसर होगा आपका। तो सिंपल है, जब भी टोटल प्रॉफिट गिवन होगा तो प्रॉफिट रेशियो से सॉल्व होगा, प्रॉफिट रेशियो में अगर बी का पार्ट पूछ रहा है प्रॉफिट का कितना हुआ है, तो बी का जो भी रेशियो का पार्ट है वो ऊपर, टोटल रेशियो नीचे, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे में कभी कभी एक ईच का प्रॉफिट गिवन होता है और टोटल प्रॉफिट पूछ लेता है, तब भी यही फॉर्मूला है, रेशियो दोनों का ऐसे ही, ये नहीं पता है आपको, इसमें एक्स लिख लिया, ये पता है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, वो भी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आप इनको ट्राई करिएगा, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा और वर्क करिएगा उस पर, बहुत ईजी होता है प्रॉफिट रेट जो भी इसके पार्टनरशिप के जो भी क्वेश्चन होते हैं।